नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। सारे विपक्ष के नेता हैं। यह न केवल किसी राजनीतिक दल के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी आशा की बड़ी किरण है। यह प्रतिक्रिया विपक्षी दलों की तरफ से आई है। यह इस देश के लिए, नागरिकों के लिए आशा की एक बड़ी किरण है और उम्मीद है कि आम चुनावों में सुधारों तक पहुंचने की, जिनकी जिन चुनावों में जो सुधार होने हैं, चुनाव सुधार उनकी सख्त जरूरत है, वो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। वो इसलिए क्योंकि अब तक सिर्फ पैसे और बाहुबल, अब बाहुबल थोड़ा कम हो गया है, पैसा ज़्यादा अहम हो गया है कि दम पर बहुत सारे लोग चुनाव जीतते रहे हैं जिन्हें संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले के बाद जनता के उन खुरदुरे चेहरों को भी, उन आम चेहरों को भी जिनके पास पैसे का बल नहीं है, मसल पावर नहीं है, उनको भी राजनीति में उभर कर आने का मौका मिलेगा। यह दूसरी तरीके से कह लें कि गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, सर्वहारा समाज के लोगों, साधनहीन लोगों को, तमाम कम्युनिटी हैं, उनके जो मलाईदार नेता हैं वो आगे आ जाते हैं, लेकिन जो खुरदुरे चेहरे हैं, जो साधनहीन लोग हैं, उनको भी राजनीति में क्या उभरने का मौका मिलेगा? ये बड़ा सवाल इस फैसले के बाद उठा है। 6 साल पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड SBI के जरिए जारी किए गए थे। इसे गुमनामी चंदा भी कहा गया। तो इस गुमनामी चंदे पर सुप्रीम प्रहार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला देते हुए ये कहा है कि ये चुनावी बांड स्कीम पूरी तरीके से असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। इसमें खुले तौर पर RTI का उल्लंघन है। इस बांड स्कीम में एक तरीके से RTI का गला घोट दिया गया है। इनकम टैक्स में 2017 में किया गया बदलाव भी असंवैधानिक है, क्योंकि इस जो बॉन्ड है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बॉन्ड में जो संशोधन किया गया था इनकम टैक्स को लेकर, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी ठहरा दिया। और यह जानने का हक वास्तव में इसके बाद, इस जो संशोधन है इसके बाद किसी को बचा नहीं था। देश के लोग ये जान नहीं सकते थे कि किसने पैसा दिया, ये पैसा कहाँ से आया और ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, कब हुआ, ये सारी बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। कंपनी एक्ट में भी बदलाव हुआ, उसे भी गैर संवैधानिक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक साथ बहुत सारे फैसले दे दिए हैं जिसके बहुत सारे मायने हैं। लेन देन के उद्देश्य से दिए गए चंदे की जानकारी भी इन संशोधनों के चलते जनता को नहीं मिल पाती थी। SBI सभी पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देगी और ये भी बताएगी कि ये जो चुनावी बॉन्ड हैं जिसे SBI जारी करती है, वो कब कब और किन किन दलों ने या जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भुनाए हैं। और जब 6 मार्च तक ये जानकारी SBI चुनाव आयोग को दे देगा तो उसके बाद 13 मार्च तक ये बाध्यता होगी कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करके इस देश की जनता को बता दे। जानकारी के 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को सौंपे, जैसा मैंने कहा, और इसको पूरी तरीके से वो अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दे। तो बड़ा सवाल यही है, पूरी बहस को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी सवालों के जवाब पता होने चाहिए। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसको बहुत सही सरल शब्दों में समझने और समझाने की कोशिश की है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो बड़ी बातें हैं उनको आपके स्क्रीन पर हैं, उनको समझ लीजिए, देख लीजिए। चुनावी बांड स्कीम असंवैधानिक है और बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, यह बहुप्रतीक्षित फैसला है, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मसले की सुनवाई चल रही है और इससे बहुत सारे दल, जो सारे दल हैं, इसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखना, इस पे जो चंदा देने वाले, गुमनामी चंदा देने वाले लोगों, कंपनियों, व्यक्ति समूहों, इन सभी को एक तरीके से इनका नाम गोपनीय रखा जाता था, ये कहां से पैसा लाया ये भी गोपनीय रखा गया, कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया, बहुत सारी सहूलियतें चंदा देने वालों को दी गई और इसमें इसकी जानकारी आम हो, इसमें सारे दल एक तरीके से अपनी जानकारी को छुपाते रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ दल ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को टोटल जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया उसका 95% अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये कहकर वो निशाना साधते रहे, लेकिन उन्हें कहां से पैसा मिला ये जानकारी भी इन दलों ने, बाकी दलों ने, बीजेपी के अलावा कहीं भी उन्होंने दी नहीं है। तो एक रिपोर्ट देखिए, उसको समझिए, फिर आपको कुछ प्रतिक्रियाएं हम सुनाएंगे। से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चुनाव से पहले जो बॉन्ड खरीदने की जो रीत थी वो अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएगी। पूरी तरह से बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सीजीआई ने एक मत वाले अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना अधिकार का उल्लंघन है और मतदाताओं को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। Both opinions of this court arrive at the same conclusion, though there is a slight variance in the reasoning which has been adopted. The present batch of petitions raises the following issues: A. Whether the non-disclosure of information on voluntary contributions to political parties. क्या थी चुनावी बॉन्ड स्कीम? केंद्र सरकार ने 2018 में चुनाव बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत पेश किया गया था। इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था। चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की 29 शाखाओं में मिलता था। इसके जरिए कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था किसी पार्टी को चंदा दे सकती है। ये बॉन्ड 1,000, 10,000, 1,00,000 और 1,00,000 रुपए तक के हो सकते थे। खास बात यह है कि बॉन्ड में चंदा देने वालों को अपना नाम नहीं लिखना पड़ता था। हालांकि इन बॉन्ड को सिर्फ वही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हों और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हों। फैसले पर क्या बोले प्रशांत भूषण? चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण ने मीडिया से कहा कि यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसका हमारे चुनावी लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। Comprehensively struck it down and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. चुनावी बॉन्ड स्कीम सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधन वाले फैसले पर तमाम राजनीतिक दलों और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मामले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सरकार का एक प्रकार का स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था से बीजेपी को बड़े स्तर पर डोनेशन मिल रहा था, बीजेपी इससे एक्सपोज हो गई है। फॉर द सिंपल रीजन दैट ऑल द मनी दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिसीव्ड and amongst political parties the BJP has received the maximum amount of money which is about 5,000 to 6,000 crores and obviously since the scheme has been struck down this money in the hands of the BJP is obviously something that they should not have received so it has huge implications because we know that with this money the BJP must have used this white money to set up build their offices build offices for the RSS because it's only for them This had nothing to do with elections. And why it's nothing to do with elections is because the election bond scheme, the name election is, I mean the nomenclature election is there, but it's really a bonding between the corporate sector. Chief Justice D.Y. Chandrachud की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली
याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और इसे असंवैधानिक करार दिया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस चुनावी बॉन्ड की कानूनी वैधता खत्म होने के बाद 2024 के आम चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि यह फैसला चुनावी लोकतंत्र पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। मेरी चर्चा का विषय भी यही आज है कि इसके क्या क्या डायमेंशन, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अपनी प्रस्तावना में, अपनी भूमिका में, कार्यक्रम में कहा कि अब आम आदमी, अब गांव का एक सामान्य सा नेतागिरी करने वाला एक सामान्य सा आदमी, सर्वहारा समाज का व्यक्ति क्या चुनाव लड़ने की स्थिति में है? क्या क्या कोई आलमबंदी अब चुनाव जीत सकता है? क्या इस धन दल, धन बल और धन बल रूपी बाहुबल के कारण वो लोग, क्या कोई भगवती सिंह विशारद जैसे नेता जो नामांकन कराने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना जीत का प्रमाण पत्र लेने जाते थे, सरकारी बस में चलते थे, क्या ऐसा नेता कोई अब चुनाव लड़ पाएगा क्या? ये बड़ा बार सवाल हो रहा था। और पिछले दिनों एडीआर की एक रिपोर्ट में ये बात भी आई कि मध्य प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हाल में 2023 में, वहां पर भयानक रूप से काले धन का उपयोग किया गया। अब वो काला है, पीला है, नीला है, ये नहीं पता, लेकिन वो पैसा बांटा गया वहां। एडीआर के लिए काम करने वाले संजय सिंह ये जानकारी उस वक्त मुझे दे रहे थे। आज संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बल्कि आ ही गए हैं। संजय सिंह का स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चुनाव विश्लेषक के तौर पर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमजीद अहमद साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। जफर अली नकवी साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी विधिवेत्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों के पास जाएं इससे पहले प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। इस पूरे जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या रिएक्ट किया है, दोनों की बातें सुन ली जाए। और जिसका कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट और असर पॉलिटिकल व्यवस्था में और चुनावी व्यवस्था में हुआ। आपको याद होगा कि आज की तारीख में 100% वोटर आईडी कार्ड है मतदाताओं के पास। उसके अलावा जो है वो जो मतदाता सूची होती है वो भी लगभग डिजिटल हो गई है। इसी तरह से कई ऐसे सुधार हुए हैं। उसी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को जो फंडिंग हो वो पारदर्शी हो, इस साफ सुथरी हो, इसके लिए जो है टॉल बॉन्ड की बात हुई थी अब। लेकिन कुछ लोगों का उस समय भी जो है उसको लेकर के कई तरह के उस पर सवाल और शक और सुबह खड़े किए गए थे, और आज भी वो लोग उसे। लेकिन इसमें जो भी फैसला हुआ है सरकार उसको देखेगी, और मुझे लगता है कि जो भी पारदर्शिता के हित में, देश के हित में होगा वो होगा। एवर सिंस इन 2017 व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड, द कांग्रेस पार्टी इमीडिएटली हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड अपोज्ड इट। We called it undemocratic, we called it opaque, we called it a scheme without any transparency, and today we stand completely endorsed because there was always a suspicion of a quid pro quo between those who are funding a political party and getting something out of that political party, in particular when that political party is the ruling party, in this case the BJP. And we are not surprised that 95% of all electoral bonds have been taken away by the BJP. So now we demand that the SBI must disclose every detail. पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है। मुख्तार साहब बहुत संभल कर कह रहे हैं, बहुत सहेज कर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस वक्त ये 2018 में लागू किया गया था उस वक्त भी ये मनसा थी सरकार की कि इसको पारदर्शी किया जाए, जैसे बहुत सारी मतदाता सूची डिजिटल हुई हैं, जो मतदाता प्रमाण पत्र डिजिटल हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, चुनाव सुधार हुए हैं, इस तरह सरकार ये चाहती थी कि ये सुधार भी किया जाए।
लेकिन कुछ लोगों ने इसको नहीं करने दिया, वो इशारों में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार इसे देखेगी। पवन खेड़ा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही 95% इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं और वो सबसे ज़्यादा पैसा और लाभ उसी को मिला है। वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल, विपक्ष कह रहा है कि इसका इस्तेमाल चुनाव के बजाय उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने कार्यालय को इस्तेमाल बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में किया है। और सवाल ये उठा रहे हैं कि ये जो पैसा है ये कैसा पैसा है, किसका पैसा है, कौन दे रहा है, ये तो पता ही नहीं किसी को, और इसके बदले उसे मिल क्या रहा राजनीतिक दलों से, ये बड़ा सवाल है। मैं मेहमानों के परिचय के बाद सभी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। एक और मेहमान हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर वो बेबाकी से, बहुत जिम्मेदारी से अपनी राय रखते रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर एपी सिंह साहब, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इस फैसले में देखा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, एक विधि का एक विद्यार्थी, एक छोटा सा विद्यार्थी भी नहीं हूँ मैं विद्यार्थी भी अपने आप को कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ, वो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट और चुनावी जो व्यवस्था है, बहुत सारे संकेत और संदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने, इस फैसले को किस तरह देखते हैं, कानूनी रूप से फैसला कितने डायमेंशन को बता रहा है, किन किन तरफ ये इशारा कर रहा है और इसके परिणाम? डॉक्टर एपी सिंह, तो दूरगामी परिणाम तो अच्छे होंगे निश्चित तौर पर। राजनीति में जो सभी राजनीतिक दलों के लोग शुचिता की बात करते हैं, शुचिता की दंभ भरते हैं, शुचिता की हामी भरते हैं, उनके लिए आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम कोई मकान बनाते हैं, जब कोई नींव खड़ी करते हैं तो नीचे कितनी मजबूत है, ये वो मजबूती है, वो आईना दिखाने का काम है कि इसमें पार्टी कोई भी हो, बात भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है इसलिए कुछ इस तरह की बात की जा सकती है। कांग्रेस अभी 10 साल पहले सत्ता में रही है, 10 साल पूरी तरह से रही है, उनका भी अपना है, उससे पहले मिली जुली सरकारें भी रही हैं, गठबंधन सरकारों का भी युग देखा है, लेकिन उस समय ऐसी बातें नहीं थी। अब परिवर्तन भी आया है, राजनीति के मायने भी बदले हैं, लेन देन के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन के जो खर्चे भरे जाते हैं, खर्चों के एफिडेविट डिटेल, प्रतिदिन की डिटेल, उसमें काफी परिवर्तन आए हैं, काफी गाइडलाइंस आई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी समय समय पर अपने को बहुत अच्छा परिवर्तित करते हुए कई चीजें दी हैं। पहले एक पेज मिलता था, याद कीजिए, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सारी दुनिया में देखा जाता है, और बेबाक बातचीत तथा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं आप, देश के लिए सार्थक है। तो पहले जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कैंडिडेट का देखते थे तो बहुत छोटे रूप में देखा जाता था, अब पूरी बुक आती है, अब हर दिन का डिटेल, वाहन का अलग, इसका अलग, उसका अलग, उस तरह से, जबकि पहले झंडे का इलेक्शन कमीशन ने सुधारा अपने को, वॉल लाइटिंग खत्म हुई, घर घर पे झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, लाउड स्पीकर, 24 घंटे चुनाव कार्यालय, गाड़ियां घूम रही हैं, बच्चों को पढ़ना दूभर होगा, बीमारों का अस्पताल में रहना दूभर हो गया, पूरा तरह अब नहीं लगता। इलेक्शन के आखिरी दिन भी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े नेता कार्य करते हैं, सोशल मीडिया के भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं रही, सुधार हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले लोग चुनाव आने जब होने से 1 और 1.5 साल पहले दीवारें बुक कर देते थे, दिल्ली की हो चाहे देश के अन्य महानगरों की और क्षेत्रों की हो, कुछ छोटे जगह की नहीं कह सकते, लेकिन दीवारें पूरी की पूरी बुक क्या हो जाती थी, लंबी लाइन खींची, पेंट किया, एक तरफ सिर्फ कमल का फूल बना दिया, बस भाजपा लिख के छोड़ दिया बीच में, दूसरे ने क्या किया उधर हाथ का पंजा बनाया, लिख के कांग्रेस छोड़ दिया, उधर सीपीआई ने अपना चिन्ह बनाया, उधर हाथी बनाया, उधर जो भी पार्टियां रही, मेरा किसी पार्टी के लिए नहीं कहने का मकसद है, तो बुक कर देते थे, तो वो पैसे खर्च होते थे, हिसाब कहीं नहीं, हिसाब किसी के पास नहीं, किसने लिखा, किसने किया, किसने कराया, पैसे तब भी होते थे, फंडिंग तब भी होती थी, पैसे तब भी आते थे, पेंटर किसी के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन सब कुछ होता था, लेकिन उस समय दिखता नहीं था। अब पारदर्शिता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जागरूक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुधार भी हुए,
बहुत बहुत ऐतिहासिक लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहे पदों पर, वरिष्ठ पदों पर रहे, कमिश्नर रहे इलेक्शन कमीशन, तो वो चीजें आई। हम धीरे धीरे सने सने विकसित और आगे आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी हुआ, बॉन्ड की बात है, बॉन्ड की लीगलिटी की बात है, बॉन्ड की लीगलिटी निश्चित तौर पर उसमें परिवर्तन आना चाहिए, सुधार होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त की जो बात करती हैं सभी पार्टियां वो होना चाहिए, पैसा आने जाने का रास्ता साफ हो जिससे कि आगे अच्छा भविष्य की राजनीति हो सके। यही नीचे से शुरू हो जाएगा अगर भ्रष्टाचार, तो ऊपर फिर योजनाओं में कैसे लागू हो पाएगा, कैसे वो वादे पूरे हो पाएंगे, कैसे चुनावी वादे पूरे हो पाएंगे, कैसे शुचिता का जीवन जी पाएंगे, फिर तो सिर्फ भाषण में रह जाएगा, भाषण ही रह जाएंगे। तो आज का युवक जागरूक हो रहा है, आज का युवक वो पहले वाला युवक नहीं रहा, आज का मतदाता वो पहले वाला मतदाता नहीं रहा। आज सोशल मीडिया है, आज सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है, आज गूगल पे अपने घर का रास्ता लोग देख के जाते हैं, इतना उस पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो ये जो परिवर्तन आया है, इसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी दलों के लिए और भविष्य के लिए, मैं अभी की बात तुरंत की नहीं कहना चाहता, तुरंत का वो अब आया है तो आया है, जो जैसे हो ले चुका, जो जिसके द्वारा जैसे आ चुका, जिसके पास, किसी के पास ज्यादा आया, किसी के पास कम आया, सत्तारूढ़ होगी उसके पास सदैव ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके पास, उनके पास देने के लिए लोगों के पास इच्छाएं हैं, इच्छा शक्ति है। अब आएगा तो प्रयोग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा तो पार्टी का ही, पार्टी में पद पर बदलते रहेंगे लोग, वो ये विश्वास ना करे कि किसी की पार्टी बपौती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस में अभी परिवारवाद का पीछे थोड़ा सा रहा भी है, अब उन्होंने भी छोड़ा, उन्होंने भी खड़गे साहब को लाए तो लाए दिल खोल के, और भारतीय जनता पार्टी तो सभी के लिए चाय बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश का भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री हो सकता है, और निचले दरी बिछाने वाला व्यक्ति, कुर्सियां लगाने वाला व्यक्ति भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये खुशी की बात है, सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय का नारा सिद्ध हो रहा है, दिख रहा है लोगों में, आमूल चूल उसका परिवर्तन आ रहा है। तो उसके तहत इसमें इलेक्शन बॉन्ड वाली बात भी आगे के लिए बहुत अच्छी है, और मैं इसकी सराहना करता हूं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप बने रहिए। मुझे एक ब्रेक लेने का इशारा हुआ है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक से लौटूंगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले जो चुनावी चंदे को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, गुमनामी चंदे को लेकर बहुत बहुप्रतीक्षित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके चुनाव सुधार में क्या असर पड़ेगा, चुनावी लोकतंत्र में क्या असर पड़ेगा, बहुत सारे पहलू हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ब्रेक से लौट आए हैं। इस बीच हमारे साथ इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक आलोक भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संजय सिंह चुनाव विश्लेषक हैं, ADR से ताल्लुक रखते हैं ये संस्था, चुनाव सुधारों, चुनावी भ्रष्टाचार इस पर काम करती है। इस देश में जो कुछ डेटा हमारे सामने आता है वो इस संस्था की देन है। संजय सिंह और उनके साथ ही इस काम को करते हैं। संजय सिंह, इस फैसले को चुनाव सुधारों के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुझे याद है जब मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर आप थे, वहाँ कुछ डेटा एकत्र कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि ऐसा तो पैसा बटते हमने देखा ही नहीं कभी, नगद पैसा बट रहा था धुआंधार, एक 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 वोट और पता नहीं कितने कितने नोट वहाँ पर चले। संजय सिंह, धन्यवाद चौहान साहब, बहुत ही आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में, और खासतौर से चुनावी इतिहास के लिए आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ADR के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत ही विद्वान पैनल है, कि सबसे पहले इस मुद्दे को लेके ADR ही सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर उसके बाद में कांग्रेस और लेफ्ट ने भी एक अपील अपनी दाखिल की थी, और उसके बाद हम लोग लगातार इसको फॉलो कर रहे थे, और जितनी भी तैयारी के साथ जो जो भी कोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स देने थे, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, और हमारे चेयरमैन प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, हमारे ADR के हेड मेजर जनरल अनिल वर्मा साहब, जगदीप छोकर साहब, और हम सब इस पूरे से चीज के लिए बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये फैसला आए, और आज ये फैसला आया।
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि इस देश के आम वोटर्स को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से काले धन को चुनाव में खपाने के लिए एक तरीका था, और उस तरीके को खपा के हम आप इस देश में जब इतनी सारी चीजें आ गई हैं, हम बात कर रहे हैं कि पेटीएम से लेके सारी आ गया, यूपीआई आज दुनिया के दूसरे देशों में लागू हो रहा है, लेकिन उस सब के लिए हम बात करते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था कि जहाँ पे आपको बॉन्ड देते समय कोई नाम नहीं है, आप कोई नाम नहीं दे सकते, आपके बारे में कोई चीजें है नहीं, तो वो निश्चित तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज हम जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम सब, हमारी आज पूरे दिन टीम, बहुत सारे चौहान साहब, और आपको बता दें कि क्योंकि ये दिन जब से ये फैसला आया तब से लगातार अलग अलग बहुत सारे चैनल्स और लोगों की और क्वेरीज हैं उनके बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप में से सबने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़ा होगा। इतना साफ है उसमें, चुनाव आयोग ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप ये जानकारी जुटाएं एसबीआई से और उनसे ये पता करें कि ये कैसे सारे डेटा देने के लिए भी निर्देश दिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जिस तरह से जब आया था कि कैंडिडेट्स इस देश में कुछ निर्णय ले आने के इतिहास में एडीआर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो हम एफिडेविट्स की बात करें, चाहे क्रिमिनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स जिसको हम कह रहे हैं, तो वो तीनों बैकग्राउंड से लेके और फिर ये नोटा, और नोटा के बाद अब ये जो एक महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये, मैं अभी बहुत अपने को संबद्ध करता हूँ वकील साहब एडवोकेट अजय प्रकाश सिंह साहब जो कह रहे थे, कोई भी दल हो, आखिरकार कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो प्रक्रिया है वो बहुत ही गलत है। जब हम एक तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब ऐसी तरह की हम बड़ी बातें सोच रहे हैं तो बड़ी बातों के बीच में हमें लगता है चुनावी पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जहां आप कह रहे थे मध्य प्रदेश के इलेक्शन का, मध्य प्रदेश के इलेक्शन से लेके, क्योंकि हर राज्य के इलेक्शन हम लोग बहुत नजदीकी से देखते हैं और जमीन पे रह के जिस तरह से हमने पैसे का, एक एक वोट का, जो आपकी बात का मैं यहाँ पे बहुत ही जिसको समर्थन करना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और मुझे लगता है कि पैसा सब चुनाव में इसी रूट से जो है वो कहीं ना कहीं से रूटेड होता था, और चुनाव में जाके और बहुत ही सीधा सा सरल काम, आप भी देखिएगा कि जन अधिनियम की धारा इतने के तहत कोई भी राजनीतिक दल जिसको 1% वोट मिले हो वो ये चुनावी बॉन्ड कर सकता है। चुनावी बॉन्ड करने के बाद में हमने जितना भी ब्लैक मनी है, हमारे ठेकेदार और हमारे तमाम तरह के सप्लायर और उन सबको, उसको उस पैसे को हमने वाइट में कर दिया। तो ये एक तरह से हम जब बात कर रहे हैं कि हमारा इनकम टैक्स लॉ इतना इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें होना बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे एक और बहुत उसमें भी शायद माननीय इनकम सर्वोच्च टैक्स और न्यायालय। जो कंपनी ला संशोधन किया उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, संजय जी। बिल्कुल कही है, उन्होंने कहा कि भाई ये कंपनी लॉ में, क्योंकि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप एक तरफ इनकम टैक्स में जो लेके आए, और ये जो कहा, मैं वही बात आपसे कह रहा था कि आपने कहा कि ये कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह से रजिस्टर्ड है, और उनको फिर हमने कहा कि आप सोचिए कि मतलब हम पूरी तरह से इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी, और जिनको आपको मतलब इनकम टैक्स में छूट देने, अब 80G जो है, एक आयकर की अधिनियम की धारा 80G है, जिसके तहत ये होता था कि भाई अगर हमने कहीं चैरिटी में कुछ पैसे दिए हैं तो उससे कुछ रिबेट मिलती थी, लेकिन इसमें तो पूरी तरह से 100% ये होगा कि आप पार्टी को पैसा दे रहे हैं उससे आपके को ये रिबेट मिल जाएगी और आप उसको दिखा लेंगे। तो ये इनकम टैक्स का भी एक तरह से जो कानून था, जो लोग इस तरह से लूपहोल लोगों ने निकाला था, और उसको एक तरह से हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोकने का काम किया, और भारत जैसे बड़े गणतंत्र ठीक की है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में एक बहुत ही निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आप सब, उम्मीद है कि इस फैसले से आम मतदाता में, और जब भारत दुनिया के सामने सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारी जरूरत थी कि इस तरह के चीजें आनी चाहिए, और हम सब बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न है इस फैसले के आने के बाद। ठीक बात है, बहुत बहुत शानदार तरीके से संजय सिंह ने पूरे पक्ष को रखा। एडीआर इसमें पक्षकार रहा है, एडीआर ने भी लड़ाई लड़ी है लगातार इसको लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर, जैसा मैंने कहा लगातार एडीआर लड़ाई लड़ता रहा है, अभी भी लड़ रहा है, और संजय सिंह जैसे जुझारू लोग इस काम में लगे हुए हैं। आलोक भदौरिया जी की तरफ रुख करूंगा। भदौरिया जी, इस फैसले से चुनावी लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा भी कुछ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कितने दिनों में पड़ेगा? एक पत्रकार के तौर पर, एक जागरूक भारतीय के तौर पर किस तरह आप देखते हैं इसे?
धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। मैं इसको आपकी बहस जिस दिशा में जा रही है मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। वो है आप चुनाव सुधार पर लिए जा रहे हैं, मैं इसको चुनाव सुधार पर नहीं लिया जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक शब्द है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये है कि असंवैधानिक। असंवैधानिक यानी ये किसने किया, किस सरकार, कौन सरकार लाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुखिया कौन है, नरेंद्र मोदी जी मुखिया है। तो असंवैधानिक काम किसने किया, हम इस सुप्रीम कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले में असंवैधानिक शब्द को थोड़ा सा कमतर आंक करके एक पतली गली से चुनाव सुधार की तरफ लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, दूसरा चीज क्या है, कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के सेक्शन 182 या 282, मुझे लोग करेक्ट कर देंगे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। कंपनी एक्ट के जो सेक्शन में संशोधन करके आप अपना 10% बॉन्ड आप दे सकते हैं, 10% अपना पैसा उसमें डाल सकते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड में। अब सवाल है कि आपकी कंपनी अगर फायदा उठा रही है तब तो आप डाल दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन संशोधन क्या हुआ, अगर आप घाटे में हैं तो भी आप 10% अपना चंदा दे सकते हैं। ये भैया कौन सा है, आप दुर्गेन जी अगर आप घाटे में हैं, आपका चैनल चल नहीं रहा है तो चंदा कैसे दे देगा किसी को, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को हमको उसकी परिपेक्ष में इन सब चीज को देना चाहिए, देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि सरकार का जो असंवैधानिक फैसला है कितना महत्वपूर्ण है, अब कितना असर डालेगा, ये असर तो बहुत डालेगा। अब चूंकि 5 सदस्यीय खंडपीठ का फैसला है तो मुझे लग रहा है कि सरकार को तो मानना चाहिए, ये हमकी एक कामना सदिच्छा हमारी। लेकिन इसमें एक अभी एक चीज बोल रहे हैं, एक अगला स्टेप ये भी है कि एक रिव्यू पिटीशन भी जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो सरकार के जो पिछले रुख देखे गए हैं वो कभी भी किसी फैसले को आसानी से नहीं मानती है। आप याद करिए कि दिल्ली सरकार का जब वो फैसला हुआ था मुख्यमंत्री को तरजीह देने वाला, तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल वाला एक अलग फैसला ले आए थे। चुनाव आयोग की जब एक नियुक्ति वाला मामला लाए थे तो फिर उसमें कानून बनाकर उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया था। अब एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट और एक अपोजिशन का 2-1 से वोटिंग होगी, तो आप समझिए कि क्या कैबिनेट मिनिस्टर विपक्ष के कैंडिडेट का चुनाव आयोग में समर्थन करेगा, अगर करेगा तो क्या उसको पता है कि कितने दिन वो कैबिनेट में रहेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो या उससे पहले की कांग्रेस सरकार या आने वाली कोई भी सरकार। तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट का वोट तो, मिनिस्टर का वोट तो वहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए मेरे को एक लग रहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता को, काले धन को एक मुद्दा बनाया गया है, ये मुद्दा बहुत अपेक्षित था। लेकिन सवाल यह है कि जो लाया उसके बारे में कोई वक्ता आपके पैनल में से भी किसी को बोलना चाहिए, मुझे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और मैं तो स्पष्ट बोलता हूं कि जो सरकार ला रही है इतने बड़े फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया है, तो उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की अब मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का व्यवधान है, भी होना चाहिए पीएम केयर फंड भी होना चाहिए, जिसके बारे में नहीं बता पैसा दिया और क्या दिया। तो मेरे को लग रहा है कि एक शुरुआत हुई है और उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण बातें रखी, उस चर्चा को एक दूसरी दिशा में वो समझते हैं कि इस चर्चा में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो असंवैधानिक कहा है, संविधान के विरुद्ध कहा है, उसको देखना चाहिए। एक छोटी सी टिप्पणी में 5 सेकंड की एपी सिंह साहब की लूंगा, उसके बाद फिर पॉलिटिकल लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उन पर, उनके पास जाऊंगा। सिंह साहब, आलोक जी ने कहा कि भाई ये फैसला आ गया, सारी चीज़ें हैं, क्या ऐसा करने के लिए जो कुछ वो कहा है सरकार और चुनाव आयोग क्या बाध्य है, या कुछ आप और कुछ देख रहे हैं कि इसमें और कुछ संशोधन आ सकता है, रिव्यू पिटीशन आ सकती है, बहुत सारे हिकमत अमली होती है सरकारों के पास, चाहे मौजूदा हो चाहे पूर्व की रही हो। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है वो तो रूल है, अगर एसएलपी पे डिसाइड हुआ है, 5 जजेस की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसे कहते हैं संवैधानिक
खंडपीठ हमारी बनी, संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया है तो निश्चित तौर पर अच्छा फैसला है, स्वीकार्य है। लेकिन सबके लिए कैसा, हमारा बड़ा देश है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कहीं अयोध्या धाम पर भी केस पड़ जाते हैं, 370 पर भी केस पड़ जाते हैं, राम मंदिर का केस कितने दिन चला, ट्रिपल तलाक पर भी केस और रिव्यू पड़ जाते हैं, कई चीजें हो जाती हैं। तो लोगों का बड़ा देश है, लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, तो उसमें अगर रिव्यू पड़ती है तो वो एक अलग विषय है, उस पर अलग डिस्कशन होगा। लेकिन अभी हमें नहीं समझना चाहिए कि शायद रिव्यू पड़े, अगर सरकार उसको मानती है, अच्छी चीजों को माना है, सरकार ने कई बार माना। किसान आंदोलन पिछली बार आपको याद होगा, आपने भी डिबेट की थी, कि हमने लड़ा किसान, स्टे दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों कानूनों पर हमें स्टे दिया, रोक लगाई, और वो बेहद फैसला अच्छा था, कमेटी गठित की। उसके बाद मोदी जी की सरकार, इसी सरकार ने उन कानूनों को रिपील कर लिया, वापस ले लिया, लोगों ने उनकी तारीफ की, कुछ ने बुराई की, अब क्यों लिया, तब क्यों लिया, वो अलग चीज है, मैं उसका राजनीतिक कोई विश्लेषक नहीं हूँ। राजनीतिक पैनल आपके पास राघवेंद्र सिंह राजू जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो सामाजिक व्यक्ति हैं, सब दलों को भी देखते हैं, समाज को भी देखते हैं, वो लोग बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन मेरा कहना शार्ट में यही है, संवैधानिक अगर कानून में देखिए, रिव्यू पढ़ना एक सिस्टम है, प्रोसेस है, क्योरिटिव पिटीशन भी पढ़ना हमारा एक सिस्टम है, उसमें डिसाइड नहीं होते, तो रिव्यू में नहीं रिलीफ है, तो क्योरिटिव वो तो एक अपना अलग प्रोसेस है और उसको अपनाया जाए। लेकिन जैसा नैयर जी ने कहा और आपकी डिबेट है, संवैधानिक शब्द है विस्तृत, सरकार की आलोचना के लिए बड़ा शब्द है, बृहद शब्द है जी। आलोचना सरकार को सुनना अच्छा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी सरकार है तो सरकार को सुनना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबका साथ सबका विकास कहने से ही नहीं चलता, दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, ग्राउंड जीरो पर उतारना पड़ता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया हमें करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में जो लिखा, यथा धर्म अस्ततो जय, धर्म की जीत होती है, धर्म के साथ की जीत होती है। तो निश्चित तौर पर लेकिन इस सुधार को अच्छा माना जाना चाहिए। ठीक है, सत्ता आएगी, राजनीति आएगी, दल आएंगे, पार्टियां आएंगी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुधार हुए उनसे सबको फायदा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूँ। तमजीद अहमद साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमजीद भाई, लगातार जैसा कि आपकी भी सरकारें रही, चंदे की प्रक्रिया तो बहुत पहले से है, जब बोरों में नोट वसूलते थे नेता, जाके फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्योगपतियों में, और वो बाकायदे मेटाडोर एक गाड़ी हुआ करती थी, उसमें लद लद के आया करते थे, हम लोग जब रिपोर्टिंग किया करते थे तो ये सब सूचनाएं मिलती थी कि भाई मेटाडोर में बोरों में पैसा भर के गया है चुनाव का। तो चंदे का तो बड़ा पुराना इतिहास है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर लोकतांत्रिक दृष्टि से आप क्या देख पा रहे हैं कि चुनावी लोकतंत्र में ये फैसला कितना अहम है? तमजीद भाई, पहली बात तो ये है कि चंदे, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज है तो चंदे पे ही चलती है, और ये कोई इतिहास आप दोहरा के, आप जो वर्तमान पे जो करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने आज मारा है सरकार पे, तो निश्चित रूप से बेहद दयनीय स्थिति है भाजपा की। मैं ये, आप इसको ऐसी बाइनरी मत बनाइए, मेरी आपसे आग्रह है कि आप पहले ये होता था तो अब ये होता है, तो ऐसी बाइनरी बना के आप सरकार को बाईपास मत, एक नहीं, मत दीजिए। मैं कोई सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप मुझे लगता है कम आते मेरी चर्चा में, इसलिए जानते नहीं आप मुझे। मैं बिल्कुल नीड़ छीर विवेक की तरीके से काम करता हूँ, और मुझे नहीं लगता इस देश में कोई डिबेट कर रहा है इस मुद्दे पर, मुझे नहीं दिखा आज। जी आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ। बोलिए, आपने सवाल पूछ लिया, मुझे मेरे बोलने का अधिकार है, उसको पूरा कर लेने दीजिए। बोलिए प्लीज, आपको सकता है मेरी बात ना पसंद है, लेकिन नहीं, बिल्कुल पसंद आएगी, बिल्कुल पसंद आएगी। बोलिए, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, जैसे ही आप ये बाइनरी बनाते हैं कि 1947 में ये होता है, 2020 में ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप या हम कोई भी हो जो ये बाइनरी बनाता है, वो सरकार को सेफ पैसेज देना शुरू कर देता है। आज महत्वपूर्ण विषय, बेहद महत्वपूर्ण विषय, हमें उसी पे ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। पारदर्शिता के नाम पे जिस तरीके से लीगली करप्शन किया गया, लीगल करप्शन इसको बोला गया, और राहुल गांधी जी ने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि लीगल करप्शन है भाई, ना तो देने वाले का पता, लेने वाले का पता है कि दे कौन रहा है पता नहीं, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कितना रकम दे रहा है आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और उसपे भी ये
मुरब्बा चढ़ाया जा रहा है कि ये जो है पारदर्शिता स्कीम, पारदर्शी स्कीम है। भाई आप बताइए दुर्गेश जी, ऐसी कौन सी स्कीम है? मैं आपको पैसे दूं और मैं आपको ना बताऊं कि मैंने कितना पैसा दिया और आपसे कहूं कि मेरा नाम भी मत बताओ, तो ये कैसी पारदर्शिता है? तो ये बेहद बेहद गंभीर प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर दिया है। और सरकार फिर भी, मैं मानता हूं दुर्गेश जी, आगे की भी, आगे को लेकर भी मैं अभी भी आशंका व्यक्त कर दे रहा हूं, अभी तक सरकार ने कोई बयान नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसके हिसाब से डाटा रिलीज कर देंगे। जो इतिहास रहा है सरकार का, जो फैसले उनको पसंद नहीं आते तो संसद के जरिए कानून लाके या फिर ऑर्डिनेंस लाके उस फैसले को खारिज कर देते। तो आशंका इस चीज की बड़ी आशंका है, क्योंकि अभी तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया इस फैसले के बाद, हिला हवाली कर रहे हैं। तो मुझे पूरी आशंका है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी तरीके का, जिस तरीके का उन्होंने लीगल करप्शन किया है, जिस तरीके से उनके पूंजीपति मित्रों ने उनको पूंजियां दी हैं और उसके एवज में जिस तरीके से सरकार ने उनको अपना पूरा का पूरा संपदा बेच दिया, तो मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो कह सकता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी और हर तरह से ये कोशिश करेगी किसी भी तरीके से वो डाटा बाहर ना आने पाए, क्योंकि जैसे ही वो डाटा बाहर आएगा निश्चित रूप से सरकार के लिए मुश्किल बढ़ना शुरू हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 95% जो आया है बॉन्ड के रूप में पैसा, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। कौन दे रहा है पता नहीं है, कितना दे रहा है पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 95% ऑफ द मनी इज गोइंग टू द पॉकेट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। आप समझ सकते हैं किस तरीके का लेवल प्ले फील्ड है इस समय हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक पार्टियों के लिए। पहली बात तो 5% में किसको क्या मिला होगा आप समझ सकते हैं, और किस तरीके से राजनीति की जाए आप समझ सकते हैं। एक बेहद 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 सराहनीय फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन हम लोग अभी भी आशंकित हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी एक ऐसा रास्ता निकालने की कि इस डाटा को किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में न जाने दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि इसकी गंभीरता क्या है, क्योंकि क्योंकि बाई एंड लार्ज ये तो सबको पता है कि जो भी उनके पूंजीपति मित्र हैं, आप इससे अंदाजा मत लगाइए कि कौन पैसा दे रहा है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि फायदा किसको हो रहा है इस सरकार से। गिने चुनी 4-5 पूंजीपति जिनको फायदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो इन रिटर्न जो गिफ्ट दे रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को, बड़ी बड़ी मुद्रा दे रहे होंगे, जो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा होगा उनको, और रिटर्न की भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है। ठीक, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बाहर नहीं आने देना चाहेगी दुर्गेश जी, और हम लोगों को बराबर दबाव बनाना है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अविलंब इस डाटा को जारी करे, ताकि देश को भी तो पता चले कि कहां से इनको इतना चंदा मिल रहा है, कहां से इनको इतना पैसा मिल रहा है, और ऊपर से ईमानदारी का लवादा अलग चढ़ा के बैठे हुए। ठीक बात। भुवन भास्कर जोशी साहब, माफी के साथ में काफी विलंब हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को रोकू और टोकू, उनकी भावनाओं को आना चाहिए। आप एक प्रोफेसर भी हैं, लॉ के प्रोफेसर भी हैं, मेरा तो वही सवाल है। आलोक जी ने एक अलग डायमेंशन से चर्चा की, तमजीत ने एक अलग तरीके का इस चर्चा को रुख दिया, वो कह रहे हैं उन्हें संदेह है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जिस तरीके से धन बल जो मनी पावर है उसका प्रयोग जिस तरीके से चुनाव में होता है, उससे चुनाव अब जो रियल लीडर है वो निकल कर नहीं आते। आप देखिए कि बहुत ही मैंने 2-3 नाम लिए, आलमबदी साहब हों, भगवती सिंह बिसारद हों, इस तरह के लोग अब चुनाव जीत ही नहीं सकते, ये वाली स्थितियां आ गई हैं। इस फैसले को उस दृष्टिकोण से कैसे आप देखते हैं प्रोफेसर जोशी? चौहान जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है इसका बहुत स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि 2017 और 18 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे भ्रष्टाचार की जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, आज उसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने करने का काम करा है। और मैं तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूं, मैं तो आशा करता हूं कि निश्चित तौर पे इससे भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का, भारत की अन्य संस्थाओं का मान सम्मान लौट के आएगा, ये मुझे आशा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं इस विषय का, थोड़ा सा मैंने जब अध्ययन करा तो ये योजना लाने वाले 2017-18 में जब माननीय प्रधानमंत्री का युग प्रारंभ हो गया था, तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा था कि 2017 और 18 के बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा, जिसमें SBI से बॉन्ड खरीदकर वो जो पार्टी
चंदा देना चाहती है उसका भी नाम घोषित नहीं होगा, किसको कितना मिला, पॉलिटिकल पार्टी को कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कोई आम जनता को, वोटर को, किसी को भी जानने का हक नहीं रहेगा। एक भ्रष्टाचार की एक दुकान खोलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके महत्वाकांक्षी योजना मानता हूं मैं उसमें किया गया। इसमें 16,000 करोड़ का जो चंदा आया उसमें से 95% 90 से 95% का जो चंदा है केवल एक ही पार्टी को मिलने का काम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम हुआ। और ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये देश का प्रश्न है कि उन जिन्होंने वो चंदा दिया उसकी एवेज में सरकार ने उनको क्या देने का काम करा, ये भी देश से कोई छुपा नहीं है। वो किन किन कंपनियों को, किन किन को फायदा हुआ और इसमें किन किन का उल्लंघन हुआ, कानून के विद्यार्थी होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें इनकम टैक्स के लॉ का भी उसका भी जो लॉस हुआ है, इसमें जो कंपनी एक्ट है उसका भी हुआ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो हुआ ही हुआ है। निश्चित तौर पर इस फैसले की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमें लगता है कि जो आप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि SBI बताए, चुनाव आयोग को बताए और चुनाव आयोग उस वेबसाइट में डालने का काम करे कि जब से ये योजना प्रारंभ हुई 17-18 से लेकर अब तक किन किन कंपनियों ने, किन किन लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा लेने का काम करा। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि ये बहुत एक ऐसा फैसला है जिससे जो आपने कहा चौहान साहब, मैं भी लगातार आपके आपके द्वारा जुड़ा रहता हूं, जो आपकी भावनाएं दी आपने, जो जिस तरह के नेताओं का आपने उल्लेख करा, बद्री साहब जो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे करप्ट लोग हैं, ऐसे नेता भी जिनको आप चुनाव जीतने के लिए ऐसे या पॉलिटिक्स में आने के लिए जो सफेद मतलब या पढ़ाई लिखाई करके जो नेता बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक रास्ता खुलेगा। हम इसके प्रति आशाविंत है और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि सरकार की जो अब ये जो नींद है खुली होगी और सरकार ऐसा कोई अवरोध पैदा नहीं करेगी कि जिससे कि इस नियम को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, जैसा कि पूर्व में भी करा गया है, जैसा कि दिल्ली की सरकार को कानून देने का जब विषय आया तब ये सरकार आई, एक दो विषयों में और भी सरकार आई। तो इस तरह करा करके देश के लिए फैसला है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों पर लागू होगा। सरकार कम से कम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती रहती है उसके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार की जो बातें होती है वो हवा हवाई जो चल रही है देश में उसमें भी रोक लगेगी। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है जोशी साहब, राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा क्योंकि अब चर्चा का लगभग अंत ही है। राघवेंद्र जी, इस फैसले का चुनावी अर्थतंत्र, उस अर्थतंत्र को आप बहुत करीब से जानते हैं, उसको बहुत करीब से आपने देखा है, तो चुनावी अर्थतंत्र पर क्या कोई असर पड़ने वाला है क्या? नहीं दुर्गन जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि 6 साल पहले 2017 में जो कानून लाया गया और 29 जनवरी 2018 को ये लागू भी हुआ, आपने देखा कि कंपनी अधिनियम 2013 में जिस तरीके से संशोधन किया गया और ये बताया गया कि असीमित कारपोरेट लोग चंदा दे सकते हैं। अब समस्या तो सबसे बड़ी खड़ी हो गई है भारतीय स्टेट बैंक के पास, क्योंकि उनके पास कोई चंदा देने वालों का कोई जिक्र तो है नहीं, कोई लिस्ट में ऐसा नाम तो है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है, जैसा हमारे भाई आलोक भदौरिया जी ने भी कहा, असंवैधानिक। तो जब असंवैधानिक कर दिया गया तो ये चुनावी में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताया। दुर्गेन जी, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको आपने देखा हो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के उस मंडप में जाकर के बदलने का काम बड़े स्तर पर हुआ। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे आलोक भदौरिया जी कह रहे थे रिव्यू पटीशन लाए, या हो सकता है कि इसके उनके अगेंस्ट में हो सकता है कि वो ऑर्डिनेंस भी ला सकती है कि भाई ठीक है इस कानून के विरुद्ध में, ठीक हम लोकसभा का सत्र बुलाते हैं और इसमें हम चीजें देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पसंद का उम्मीदवार को वोट करने के लिए राजनीतिक दलों को चंदा की जानकारी बहुत जरूरी है कि देना चाहिए। भाई आप चार जानकारी दे, 4 साल तक ये केस पेंडिंग पड़ा रहा और 3 दिन में तुरंत फैसला आ गया, 5 सदस्यीय खंडपीठ ने दे दिया। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी ऐसे जजमेंट दे दिए हैं जिसको लेकर निश्चित तौर पर सरकार के इस ऐसे समय पर जो सामने उठ रहा है मामला, अभी राज्यसभा का चुनाव भी है, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 8वां प्रत्याशी उतार दिया और जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है अवसरवादिता की, तो ये ऐसे समय में जो बहुत बड़ा चुनाव में चंदा, अब चंदे में साफ धन कैसे लोगों के सामने होगा और किन किन ने कितना चंदा दिया,
मैं समझता हूं कि आज जो स्थितियां हैं कि असीमित कॉर्पोरेट में 13A जो धाराएं हैं और जनप्रतिनिधि अधिनियम की 29C, ये तमाम ऐसी धाराएं आलोक भदौरिया जी ने भी की अधिनियम 183(3) में जो संशोधन किए गए, तो ये तमाम चीजें तो कानूनी विद के तमाम विद जो होंगे कानून के, उन लोगों से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कानून के विद हैं वो इस संबंध में चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर ये मैं समझता हूं कि चूंकि लोकसभा आज चुनाव की दस्तक हो चुकी है और 17-18 को भारतीय जनता पार्टी की बड़ा अहम बैठक है नई दिल्ली में, और आप देख रहे हैं तमाम दल के बड़े बड़े दल, तमाम जो चर्चाएं हैं, अभी बहुत सारे छोटे से दल सत्तारूढ़ पार्टी में आने वाले हैं, और जो प्रोफेसर भुवनेश जोशी भास्कर साहब भी कह रहे थे कई हो सकता है इनके दल के भी नेता बहुत जल्द बहुत सारे चेहरे, तो ये मैं समझता हूं कि जो ADR के मुताबिक राजीव जी इस पर राघवेंद्र जी इस पर चर्चा कर लेंगे, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट किए, मेरे पास अब वक्त नहीं है, बस 10 सेकंड है जो आलोक जी को मैं लूंगा अंतिम में। बीजेपी को 2017 से 2022 तक 5,271.97 करोड़ रुपए मिला और कांग्रेस को 952.29 करोड़ रुपए मिला। कहने का तात्पर्य यह बहुत लंबी सूची जो सामने जनता के होना चाहिए, और निश्चित तौर पर ईडी की भी निगाह है, ईडी को तमाम जानकारी ये होगी भाई किसको क्या चंदा मिला। ठीक बात है, ठीक बात। तमाम जो मुद्दे हैं ये निश्चित तौर पर एक मुद्रा पर जो चुनाव में बहुत बड़ा खर्चा का ब्यौरा, जैसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कह रहे थे पी सिंह जी कि भाई जो हम दिखाते हैं कि भाई चुनाव में खर्चा कितना है, तो क्या वास्तव में उन सब चीजों का पालन। ठीक है राघवेंद्र जी, अब वक्त नहीं है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, अंतिम टिप्पणी आलोक जी मात्र 20 सेकंड में प्लीज। ऐसा नहीं है आलोक जी, राघवेंद्र जी अब मैं माफी के साथ में रोक रहा हूं, कार्यक्रम अब आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा समय। आलोक जी 20 सेकंड में अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। आलोक जी अनम्यूट करिए। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, मुझे कैसा लगता है कि ये बड़ा फैसला है और इसको लेटर एंड स्पिरिट में सभी दलों को मानना चाहिए, क्योंकि जिस समय जब कानून पास हुआ तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हवा में सब नंगे हैं, तो सभी किसी भी राजनीतिक दल ने इसको जब बनाया जा रहा था तो बहिष्कार भी नहीं किया था, इस तथ्य को भी नहीं भूला। तो मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा फैसला है, सारे लोग लागू कर रहे हैं और लोगों को। बहुत शुक्रिया, अब आवाज आलोक जी की नहीं मिल रही है मुझे और लगभग उनकी पूरी बात भी आ गई। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया तमजीद अहमद, जफर नकवी साहब, भुवन भास्कर जोशी, डॉक्टर APसिंह, संजय सिंह और राघवेंद्र सिंह राजू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में अपना बहुमूल्य समय देते हैं। बात यही जो आलोक जी ने कही, मंथन का सार भी यही कि वास्तव में ये चुनाव जो सुधार की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण फैसला है, और हमाम में सब नंगे, जब ये कानून पास हुआ था, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने की व्यवस्था सदन में थी, तब बाकी राजनीतिक दलों ने, भाजपा को तो छोड़ दीजिए, बाकी राजनीतिक दलों ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया था, तो सब आपस में क्या ये मिले हुए राजनीतिक दल कि जो जनता से, जनता का वोट भी चाहिए और जनता से वो महत्वपूर्ण चीजें छिपाएंगे भी कि चुनाव में किसका पैसा लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।